बहुत बहुत स्वागत बच्चों आपका। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, शुरुआत के कुछ कर लिए थे हमने, ठीक। आपको करने के लिए कहा था, आई होप आपने किया भी होगा और बहुत बच्चों का हो भी गया होगा। तो जो जिनका नहीं हुआ है उनके लिए जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं आज, ठीक है। आई होप मैं क्वेश्चन अगर देखूँ तो कहाँ तक हो गया था, हम लोगों ने नियरली 4 से 5 क्वेश्चन से शुरुआत की कर लिए थे, ठीक, जिसमें सिर्फ फार्मूला लगा देना था हमको, आसान से थे एकदम, उनको हम लोगों ने कर लिया था 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5वें तक हो गया था। आते हैं 6ठे पे। दिया है एक फंक्शन, दिया है आपको, कह रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिखिए, ठीक। दिया है फंक्शन टेन इनवर्स 1√x²-1। 6ठा क्वेश्चन लेते हैं, अगर हो भी गया होगा तब भी क्या हुआ, फिर से हो जाएगा, टेन इनवर्स 1√x²-1, ठीक। कुछ कंडीशंस आपको दे रखी हैं कि जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक, ये आपको दे रखा है। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हमने इसका तरीका आपको बताया था कि कैसे सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। यहाँ आप सोचिए, अगर मैं साइन रख दूँ तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, कुछ फार्मूला नहीं बन रहा है। कॉस रख दूँ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, कुछ फार्मूला नहीं बन रहा है। टेन रख दूँ टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोई फार्मूला नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं सेक रख दूँ सेक स्क्वायर माइनस वन, तो वो टेन एक्स का फार्मूला बन जाएगा, सही है। तो यहाँ पर हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या करेंगे, एक्स बराबर समथिंग सेक थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन इनवर्स 1√ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1√10 थीटा, रूट हट जाएगा तो टेन थीटा बचेगा, और ये क्या हो जाता है, कॉट थीटा, 1/10 थीटा कॉट थीटा, और इसी को अब देखिए कैंसिल आउट करना होता है, दोनों को सेम बनाना पड़ता है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन π/2 θ, अब कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, π/2 θ, और यहाँ से थीटा हमें क्या मिल जाएगा, sec इनवर्स x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, π/2 sec इनवर्स x, ठीक। आपको एक प्रॉपर सही सब्स्टिट्यूशन सीखना है कि क्या करें कि अच्छा सा एक फॉर्म बन जाए, उसके बाद जो मानेंगे उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर x बराबर sec थीटा माना, तो थीटा हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, उसको उसकी वजह से हमें उसे लास्ट में एलिमिनेट करना होता है, जो भी हम अपने तरफ से मानते हैं उसको हमें डिस्कार्ड करना होता है किसी भी तरीके से, ठीक। ये 6ठा क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत कठिन सवाल नहीं है, ऐसे ही आसान आसान सवाल हैं, बस बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको पता हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अच्छा, हमें लगता है 7वां भी हम लोगों ने कर ही लिया था, 8वां भी कर लिया था, चलिए 8वां देखते हैं, 7वां कर लिया था। cos 2x का फार्मूला यूज़ करना था, बहुत आसान था, चलिए आते हैं 8वें पर। 8वें आपको दिया है tan इनवर्स, सिंप्लीफाई ही करना है, ब्रैकेट में है cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे है cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और जो x है वो आपको दे रखा है कि 0 से π के बीच में है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई करना, अब देखिए यहाँ पर कुछ x तो मान हम नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा, हमें जो फंक्शन दिए हैं उसी से काम करना होगा। आपको क्या दिया है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, देखिए जब भी आपको ऐसा दिखे आप इनको tan में कन्वर्ट कर लें, आप इनको tan, या तो ऊपर नीचे साइन से डिवाइड कर दें या तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दें। तो चलिए cos से डिवाइड करके देखते हैं क्या बन जाएगा, ऊपर भी cos से डिवाइड करेंगे नीचे भी cos से डिवाइड करेंगे तभी वो बैलेंस होगा। देखिए cos अपॉन cos 1 हो जाएगा और sin अपॉन cos 10 हो जाएगा,
और ऐसे ही नीचे 1 + tan x बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 है जो, 1 को भी हम tan के टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तभी कुछ फार्मूला हमें दिखेगा। तो 1 को हम tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, tan π/4, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b, फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये जो अंदर लिखा है वो क्या है, tan a माइनस b का फार्मूला है। तो ये tan π/4 माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, π/4 माइनस x, क्लियर, बस यही आंसर होगा। इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना होता है। चलिए 9वें क्वेश्चन पर आते हैं, 9th पर आते हैं, सारे ही सिंप्लीफिकेशन से हैं, बहुत कठिन काम नहीं है। नौवे में आपको दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो न्यूमरेटर है वो है x, ठीक। और आपको ये दे रखा है कि mod x जो है वो लेस देन a है, क्लियर कट है क्वेश्चन, सिंप्लीफाई ही करना है। देखिए अब अगर a की जगह पर 1 होता तो हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देते या 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देते, कुछ फार्मूला परफेक्ट बन जाता ना। अब यहाँ पर हम एक tan से दोनों नहीं सोच सकते क्योंकि दोनों के केस में कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा। अब देखिए 1 होता तो हम इसको सिर्फ x बराबर साइन मान लेते, लेकिन फिर a रह जाएगा, तो जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का दिखे तो आप x को सिर्फ साइन या कॉस ना मान के a साइन x या a कॉस x माने, इससे a भी बाहर निकल जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि जो x है सपोज़ वो a साइन x है, आप a कॉस x भी मान सकते हैं, सिमिलर रिजल्ट आएगा, अलग रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पर हमें a साइन x रखना है, और यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा एकदम आसान सा। अब देखिए नीचे ए स्क्वायर बाहर निकल सकता है क्योंकि दोनों ए स्क्वायर हैं, तो ए बाहर आएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, मतलब टेन एक्स हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एकदम आसान सा था, बस क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एग्जैक्ट आप उसको पकड़ पाएँ बस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 10th पर आते हैं, 10th भी सेम ही है, सेम ही है, वहाँ पर tan 3 थीटा का फार्मूला अंदर लिखा हुआ है बस, ठीक। चलिए सिमिलर ही करिएगा आप लोग इसको भी, बस क्या करना होगा, x बराबर a tan थीटा मान लेंगे, फिर से a बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा, tan 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, 3 थीटा आ जाएगा, फिर 3 थीटा आप निकाल लेंगे, क्लियर है। या थीटा x x हमने सेम कर दिया, थीटा मानेंगे आप, तो यहाँ थीटा आएगा, थीटा आएगा, ठीक। तो थीटा यहाँ से निकाल के हम बता देंगे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए आएगा, ठीक। चलिए 10th भी सिमिलर है, इसीलिए उसको स्किप कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, एक्स बराबर ए टेन थीटा मान लेना है, अंदर टेन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर थीटा आया था उसका आंसर 3 थीटा आएगा, फिर थीटा को आप एलिमिनेट कर देंगे जहाँ से आपने माना है। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा प्रिंसिपल वैल्यू टाइप का है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स, कौन सा क्वेश्चन है, क्लास 11th, tan इनवर्स 2 cos x 2 cos, अब ब्रैकेट में दे रखा है 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक। इसकी आपकी वैल्यू निकालनी है, बस सिंप्लीफिकेशन ही कह सकते हैं, चाहे वैल्यू निकालना कहें या सिंप्लीफिकेशन कहें, दोनों बात सिमिलर ही है, अलग अलग नहीं। देखिए साइन इनवर्स 1/2 अंदर से हम शुरू करते हैं,
साइन कहाँ पर 1/2 होता है हमें पता है, 30 डिग्री पर, मतलब पाई बाई 6 पर। तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 कॉस 2, यहाँ पर मिल जाएगा आपको पाई बाई 6, ठीक। ये बन जाएगा पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, 2 कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 1, मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। इतना आसान सा सवाल था, आपने किया होगा तो आसानी से हो भी गया होगा, जिन्होंने प्रयास किया होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वें सवाल पर आते हैं। 12वां सवाल आपको दिया है cot, फिर ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इतना आसान सा सवाल, देखिए फिर से ब्रैकेट में दिया है, ऐसे साइड में लिख के समझ लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। cot, फिर दिया है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। और आपको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2, तो cot पाई बाई 2, क्लियर। चलिए अब भाई tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है तो उसका उल्टा 1/∞ मतलब 0, ठीक। 13 नंबर बहुत ही आसान, फार्मूला बेस्ड है एकदम। आपको क्या दे रखा है, बस ध्यान से सुनिएगा। tan 1/2 में सवाल लिख देता हूँ एक बार ताकि और क्लियरिटी हो जाए। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, विद इन लाइन आने वाला क्वेश्चन है। आप 2 tan इनवर्स x का फार्मूला याद करिए दोनों के टर्म में। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या बताया था आपको, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर आपको बताया था कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बताया था आपको tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि उनका क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली यूज होता रहेगा। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स y का फार्मूला लिखा हुआ है। 2 बाहर हो जाएगा कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा tan, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 14 पर आते हैं, 14, ठीक। 14th जो क्वेश्चन है वो एक बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, 14th देखते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। साइन के ये कुछ एंगल है, साइन थीटा बराबर 1, ठीक। अब साइन थीटा 1 के बराबर कब होता है, जब थीटा बराबर पाई बाई 2 हो, तो यहां से हम सीधा क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 तभी होता है जब साइन इनवर्स एक्स हो प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, मतलब दोनों पर एंगल सेम हो, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक्स बराबर 1/5, क्लियर है सवाल का। तो
आगे बढ़ते हैं। अब इसको लगाने का एक लेंथी प्रोसीजर भी है, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा समझ है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आप विद इन लाइन क्वेश्चन को ला सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 15th नंबर पर आते हैं। इफ़ टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ठीक बराबर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा लेंगे। सिर्फ फार्मूला आप लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टाइप का दिया है आपको बराबर 4, बस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा दीजिए, तुरंत बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक्स आपको मिल जाएगा। आते हैं 16 नंबर पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन समझना ज़्यादा है इसमें, तो समझते हैं। साइन इनवर्स साइन 2π/3 ठीक, अब वही बात है ये कॉस इनवर्स एक्स कॉस एक्स कि हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। भाई बाहर जो फंक्शन है, अंदर वाले का इनवर्स है, तो इन जनरल आप देखते ही कैंसिल आउट कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि आप कैंसिल आउट तभी कर सकते हैं जब जो एंगल हो, जैसे अगर साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा हुआ है ना, कब आप कैंसिल आउट कर पाएंगे? भाई साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप होता है, माइनस वन से वन, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई, अगर जो एंगल है वो यहाँ है तब आप कैंसिल आउट कर पाएंगे, लेकिन थीटा क्या है 2π/3, मतलब 120, कैंसिल आउट आप नहीं कर पाएंगे। पहले इस एंगल को हमें अपने में लाना पड़ेगा, अपने एरिया में लाना पड़ेगा, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बनाना पड़ेगा, तब हम कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 2π/3, कैसे इसको लाया जाए? देखिए 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई थ्री, 2π/3 को हम पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं ना, थ्री में से एक जाएगा। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा साइन पाई बाई थ्री। अब ये हमारे रेंज में आ गया, हमारे टारगेट में आ गया, पाई बाई थ्री मतलब 60, वो इनके बीच में होगा। अब हम कैंसिल आउट करके इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री, ठीक है। तो अब फट से आपको फंक्शन उसका इनवर्स भी काट नहीं देना है, प्रिंसिपल ब्रांच पे उसको लाना है तब काटना है, क्लियर है? चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 17 नंबर क्वेश्चन है, सत्रह में क्या है, टेन इनवर्स टेन 3π/4 सेम ही है एकदम, टेन इनवर्स टेन 3π/4। अब टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ होता है, टेन इनवर्स पूरे R पर डिफाइन होता है, और ये ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, क्लियर है? अब इसको हमें घसीट कर अपने अंदर लाना है, बाहर जा रहा है, तो 3π/4 को हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि वो अंदर आ जाए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई फोर, कोई समस्या हो तो बताइए, 4 - 1 = 3, क्लियर है? अब देखिए टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो ये माइनस टेन पाई बाई फोर बन जाएगा। अब टेन में माइनस सीधा बाहर आ जाता है, कोई समस्या नहीं होती है, देखो सब का यूज हो रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई फोर, क्योंकि पाई बाई फोर हमारे एरिया में है, हमारे अंदर है, वो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक, आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और देखते हैं, ये 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एटीन्थ नंबर क्वेश्चन ये है,
टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। ये देखिए, अब आपको यहां पर कोई फॉर्मूला बनता दिख नहीं रहा है, कैसे शुरुआत करें, क्या शुरुआत करें, समस्या हो सकती है। तो जब भी आपको कोई फॉर्मूला बनता ना दिख रहा हो, अब जैसे यहां पर टेन है ना, हम चाहते हैं अंदर टेन इनवर्स समथिंग बन जाता कि हम टेन से टेन इनवर्स को कैंसिल आउट कर दें और सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो हमें इसे भी टेन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करना है, इसे भी टेन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप यहां ध्यान देखिए, जब भी आपको ऐसा देखिए, आपको उसको कन्वर्ट करना हो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। या और अगर एक्सप्लेन करें तो इसको हम किसी के बराबर मानेंगे, मान लेंगे वाई बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से साइन वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 3/5। ट्रायंगल बनाएंगे जिसका जो एंगल होगा वो वाई होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या आ जाएगा, 25 - 9 = 16, मतलब 4 आ जाएगा। ठीक, यहां भी ऐसे ही करेंगे, इसको वाई के बराबर मानेंगे तो कॉट वाई बराबर, या कुछ बदल लेते हैं, वाई वन वाई टू, ठीक है आप समझते रहिए, कॉट वाई बराबर 3/2। ट्रायंगल बनाएंगे, बेस परपेंडिकुलर 3 * 9 - 4 = 5, √5 मिल जाएगा, नहीं जोड़ना है, 9 + 4 = 13। अब यहाँ से आप टेन की वैल्यू निकालिए दोनों जगह से, यहाँ से टेन वाई 3/4, यहाँ से टेन वाई 2/3, क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, अगर साइन इनवर्स 3/5 हमें है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 3/4। इसी को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 3/4, और यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2/3। अब ये टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला बन गया, लगा दीजिए, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी, अब जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था वैसे ही निकलेगा जैसे इसके पहले के दो क्वेश्चंस में निकले हैं, वही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आर डी शर्मा के भी किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और अभी कुछ और क्वेश्चंस हम लोग जो इंपॉर्टेंट हैं कई बार पूछे गए हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड की बात हो या सीबीएसई बोर्ड की बात हो या आईसीएसई बोर्ड की बात हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात हो, वहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और पिकअप करेंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को जो जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनको भी हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश मानेंगे। तो एनसीईआरटी लेवल का आपका ख़त्म है, बस कुछ एडवांस क्वेश्चंस आपको और कराए जाएंगे, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर मूव ऑन कर जाएंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।